किसी के दिन मृत्यु के पश्चात हमारा अगला जन्म कितना भव्य, कितना आनंदमय और सुखों से भरपूर होगा। हमारा तो धैर्य का बांध टूटता जा रहा है, अधीर होते जा रहे हैं हम। ऐसा मन कर रहा है कि सुल्तान के फांसी का आदेश देने से पहले ही हम स्वयं अपने गले में फांसी का फंदा डाल लें। हमारा मरने का मन नहीं कर रहा है। बच जाएंगे। चुप रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए गुरु। प्रातःकाल सूर्योदय के साथ ही शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। हम बच जाएंगे ना। अरे बच जाएंगे। रामा, मृत्यु के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? प्रातःकाल सब ज्ञात हो जाएगा, चुप कर। गुनहगारों को पेश किया जाए। जी हुजूर। बर्दाश्त के बाहर है इनकी खुशी बाबा, बर्दाश्त के बाहर। आपने पता किया कि क्यों इतने उतावले हो रहे हैं फांसी चढ़ने के लिए? अल्लाह हुजूर, कुछ राज की बात मालूम होती है। जैसे सितारों की चाल, नक्षत्र से जुड़ा हुआ, बस वो क्या है ये तो नहीं मालूम, पर हुजूर इतना मालूम है अगर इन्होंने आज मौत को गले लगाया तो इनका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, इनकी जिंदगी बदल जाएगी। मर जाएंगे तो जिंदगी कैसे बदलेगी बाबा? अल्लाह, वही तो समझ में नहीं आ रहा। ऐसी क्या खास बात हो सकती है बाबा? बर्दाश्त के बाहर है ये, बेचैन हो रहा हूँ मैं, उतावला हो रहा हूँ ये जानने के लिए, पता कीजिए। अल्लाह, मैंने सितारों की चाल दरियाफ्त की है, आज कोई विपरीत योग है। रोहर, स्मरण है ना क्या करना है? हाँ स्मरण है, सब स्मरण है। तुम्हें स्मरण है या नहीं कि हम मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं? रामा अलविदा, अब सीधे स्वर्ग में भेंट होगी। रामा, बस तो जाएंगे ना। भरोसा रखिए रोहर, हमारे पास इसके अतिरिक्त ना ही कोई दूसरा मार्ग है और ना ही कोई विकल्प। अच्छा, अब प्रारंभ करते हैं। मनी, इस बुड्ढे को फांसी के फंदे पर लटकते देखने का तो आनंद ही कुछ और होगा। सोच अगर ये सच में मर गया तो। अरे लेकिन ये सुल्तान इतना समय क्यों लगा रहे हैं? बुड्ढे में शक्ति ही कितनी है, दो क्षण में प्राण निकल जाएंगे, बुड्ढा टैम बोल जाएगा। शीघ्र करें सुल्तान महाराज, शीघ्र करें। सर्वप्रथम मुझे फांसी पर लटकाए। हाँ क्या शीघ्र करें? शीघ्रता करके तुम स्वयं प्रथम फांसी पर चढ़ जाना चाहते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम वरिष्ठ हैं, हम तुमसे अधिक ज्ञानी हैं, हम महान हैं, पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे। सुल्तान, हमें फांसी पर चढ़ाने का आदेश दीजिए। आइए चढ़ाइए। अरे नहीं नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। जानते हैं, समस्त लाभ तुम स्वयं उठा लेना चाहते हो, यह संभव है। पहला अधिकार हमारा है, हम चढ़ेंगे फांसी पर। नहीं नहीं, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। मैं फांसी पर चढ़ूंगा। नहीं, हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। हम चढ़ेंगे। चढ़ूंगा फांसी पर। हम चढ़ेंगे। नहीं नहीं, पहले हमारे गुरुजी को फांसी के फंदे पर लटक दे दीजिए। हमारी खुशी का भी तो कुछ सोचिए। गुरुजी सुनिए, फांसी का फंदा लीजिए, गले में डाल दीजिए और लटक जाइए। अरे नहीं, पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा। मैं चढ़ूंगा। अरे हम चलेंगे, कहा ना छोड़ी। क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने? क्या बचपना है बच्चों जैसे जिद कर रहे हो, मैं लटकूंगा। कोई झूला है जो झूलने की जिद कर रहे हैं आप दोनों? फांसी है, फांसी का फंदा है। हैरान कर दिया आप दोनों ने हमें। कैसे लोग हैं आप दोनों?
किस ग्रह से आए हैं? और महाराज कृष्णदेव राय कैसी मुसीबत डाल दी उन्होंने हमारे गले। बिल्कुल उचित कहा सुल्तान महाराज, तो हम जैसे अभिशाप से मुक्ति पाइए। अरे हमारा जीवन अभिशाप ही तो है। मृत्यु की गोद में जाना तो परम सुख है। शीघ्र करें सुल्तान महाराज, विलंब ना करें। आज सूर्यास्त से पहले ही फांसी पर चढ़ जाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, जो अपराधी स्वयं प्रस्तुत हो जाए वो अपराधी होता है। हम अपराधी हैं, हम चलेंगे फांसी पर, हमें चढ़ाओ फांसी पर। हम इस शुभ अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं। चढ़ाओ, चढ़ाओ। क्या खास बात है आज बाबा? देखिए, पहले फांसी पर मैं चढ़ूंगा गुरुवर, मैं बता रहा हूँ। पहले हम चढ़ेंगे। नहीं, पहले मैं चढ़ूंगा। पहले हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। हम चढ़ेंगे। मैं चढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, तू चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। अगर हमें चढ़ना पड़ा ना तो प्रेत उनके तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। बाप लगेगा तुम्हें। कितना हूँ गुरु, लटकेंगे भी साथ में और प्रेत बनेंगे भी साथ में। आप तो बस पकड़े रहिए, छोड़िए मत। हाँ, कहा ना छोड़िए। अरे नहीं, आप छोड़िए, आप छोड़िए। मैं चुप रहो तुम दोनों। मेरी बात ध्यान से सुनो। माजरा क्या है ये मुझे सच सच बताओ, वरना तुम दोनों को मैं फांसी नहीं लटकने दूंगा। अरे बोलो, मैंने कुछ पूछा है? जी 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 सुल्तान महाराज, मैं आपको एक ही शर्त पर ये रहस्य बताऊंगा। यदि आप मुझे वचन दें कि आप सर्वप्रथम मुझे ही फांसी पर लटकाएंगे। मंजूर है हमें, पहले हम तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। अब बताओ क्यों तुम दोनों इतने उतावले हो रहे हो फांसी पर चढ़ने के लिए? जी जी, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सुल्तान महाराज, बात ये है कि हमारे राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की है कि आज पूर्णमासी के दिवस जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का महाराज बनेगा। बाबा क्या कह रहा है ये बाबा? हाँ हुजूर, मैं अभी अपना गणित देख करके बताता हूँ हुजूर। हुजूर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हुजूर। हाँ फकीर बाबा, आपने भृगु संहिता का अध्ययन तो अवश्य किया होगा। जरूर। तब तो आपको ये अवश्य विदित होना चाहिए कि आज कैसा राजयोग है। अल्लाह, पता है, पता है मुझे। तो हमें क्यों नहीं इत्तला की गई? आपको कुछ आता भी है? अल्लाह हुजूर, पंडित रामकृष्ण जो कह रहे हैं सही फरमा रहे हैं। हुजूर, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि आज विपरीत राजयोग है। आज के दिन जो यहाँ पे फांसी चढ़ेगा वो अगले जन्म में यहाँ का राजा बन जाएगा। अब समझ में आया है हुजूर? दोनों फांसी के फंदे पर लटकने के लिए इतने उतावले क्यों थे? हाँ, सत्य है। और जो उसके पश्चात फांसी पर चढ़ेगा वो यहाँ का महामंत्री बन जाएगा, अर्थात मरने के बाद पूरा राज्य हमारा होगा। यह क्या कह रहे हैं आप? सत्य कह रहा हूँ सुल्तान महाराज, इसीलिए तो पत्र में मैंने वो परिवर्तन कर दिया था और अपनी फांसी की बात लिख दी थी। बन्ने खान जी, सही फरमाया सुल्तान। ये देखिए, ध्यान से देखिए सुल्तान, इन्होंने शाही फरमान के इबारत में रद्दो बदल कर दी है। सुल्तान महाराज, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए, घोर धार्मिक को चोर अधार्मिक लिखा है, चुराया लफ्ज जोड़ा, कुछ लिखा कुछ मिटाया है। अल्लाह, मरने का सारे इंतजाम कर लिए थे इन्होंने। अब अगर ये सुल्तान और वजीर बन गए तो हम लोग क्या करेंगे? बताश के बाहर है गुस्ताखी,
बर्दाश्त के बाहर एक गुस्ताखी है ना, है ना, है ना सुल्तान महाराज। देखिए एक और अपराध कर दिया मैंने, अब तो आप मुझे फांसी पर लटका ही दीजिए बस। ना 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 ना, पहले हमें फांसी पर चढ़ाइए, हमें फांसी पर चढ़ाइए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं। नहीं 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 सुल्तान महाराज, आपने मुझे वचन दिया है फांसी पर मैं चढ़ूंगा। अरे आचार्य आप क्या कर रहे हैं? नहीं अरे जल्लाद भाई, मैं चढ़ूंगा। अरे रामा तुम दोनों में से कोई फांसी नहीं चढ़ेगा, हम फांसी झूलेंगे। हम मरेंगे, अगले जन्म हम यहाँ के सुल्तान बनेंगे। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो पहले से यहाँ के सुल्तान हैं। दुरुस्त फरमाया आपने बाबा फकीर, दुरुस्त फरमाया आपने। दुरुस्त तो फरमाया सुल्तान महाराज, परंतु ये आप उचित नहीं कर रहे हैं। आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने वादा किया था कि आप पहले मुझे फांसी पर लटकाएंगे, तो अपना वादा पूरा कीजिए। नहीं नहीं, हम बनेंगे यहाँ के राजा, हम वरिष्ठ हैं, पहला अधिकार हमारा बनता है। नहीं नहीं, पहले मैं बनूंगा, हम बनेंगे। अरे नहीं आचार्य, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। अरे मुझे फांसी पर चढ़ाना है। जी हुजूर, पकड़ो इन्हें। अरे नहीं, अरे अरे मुझे राजा बनना है। अगर इस मोहरत में किसी को फांसी ना दी जाए, वो कोई मारा ना जाए तो? फिर तो यहाँ के सुल्तान हम ही रहेंगे। अल्लाह, और हमारे बाद हमारे वलीअहद। उनका हक किसी और को नहीं मिलेगा। हम सुल्तान शमशुद्दीन हुक्म फरमाते हैं कि हमारी सल्तनत में आज किसी को फांसी पर नहीं लटकाया जाएगा। अरे वाह रामा, मान गया तेरी बुद्धि को। कीड़े पड़े सुल्तान को, कुत्तों की तरह भूखा मरे। अरे हमारे बुड्ढे की फांसी स्थगित कर दी। क्या से क्या हो गया, ये बुढ़ऊ मरता तो हम राजगुरु बनते। राजगुरु, इस सुल्तान ने हमारे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। हम ऐलान करते हैं कि हमारी सल्तनत में हमेशा के लिए फांसी पर रोक लगा दी जाए। पता नहीं ये सितारे खाब योग बना ले। फांसी बंद। और इन दोनों को बाइज्जत सही सलामत विजयनगर पहुंचाया जाए। जी हुजूर। ख्याल रखना, रास्ते में ना तो ये मरे और ना ही इन्हें कोई मार सके। पूरी हिफाजत से पहुंचाइएगा। जो हुक्म हुजूर। नहीं नहीं सुल्तान महाराज, ये आप उचित नहीं कर रहे हैं सुल्तान महाराज। हाँ। अच्छा, हमने तुम्हारे साथ उचित नहीं किया। वाह, जो तुम दोनों ने हमारे साथ किया उसका क्या? दिल तो करता है कि ऐसी सजा सुनाए कि मजबूर हैं हम सुल्तान बनने का। हम तुम दोनों को कोई मौका नहीं देंगे। ले जाओ इन्हें फौरन। जी हुजूर। पंडित रामाकृष्ण, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीवित हैं। अभिनय बहुत अच्छा किया आपने। विश्वास तो महाराज को भी नहीं होगा जब उन्हें ये सब पता चलेगा। वैसे धन्यवाद आचार्य। Thank you.
विषम परिस्थितियों में यदि पंडित रामकृष्ण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग ना किया होता तो अनर्थ हो गया होता। कदाचित गुरुवर आप भी हमारे समक्ष जीवित ना खड़े होते। जी जी, हम स्वीकार करते हैं महाराज, परंतु महाराज हमने भी बड़े धैर्य और अद्भुत साहस का परिचय दिया। क्यों दिया ना? और हाँ, हमने आपकी भरपूर सहायता भी की। क्यों की ना? हाँ, जी गुरुवर, अब आप तो आप ठहरे। जी महाराज, हमारे सहयोग के बिना ये योजना सफल होना असंभव थी महाराज। मंत्रीवर, यह संपूर्ण घटनाक्रम साधारण नहीं है, अवश्य किसी न किसी का षड्यंत्र है, अवश्य किसी न किसी का षड्यंत्र है, जो न केवल पंडित रामकृष्ण और गुरुवर अपितु पूरे विजयनगर राज्य को हानि पहुंचाना चाहता था। उचित है महाराज, आपका कथन सत्य है। मंत्रीवर, महाराज आप इस पूरे प्रकरण का परीक्षण कीजिए सूक्ष्मतापूर्वक और हमारे समक्ष उस अपराधी को प्रस्तुत कीजिए। विजयनगर राज्य का अहित सोचने का दुस्साहस करने वाले को हम नहीं छोड़ेंगे। कड़े से कड़ा दंड मिलेगा उसे। जी महाराज। मंत्रीवर, इस पूरे कार्य के पीछे उद्देश्य क्या है ये जानना भी अति अनिवार्य है। आप निश्चिंत रहिए, इस कार्य में कोई चूक नहीं होगी। आज यदि पंडित रामकृष्ण न होते तो अनर्थ हो जाता। महाराज, मैं तो कहता हूँ इस पूरे घटना में कुछ हितकर भी हुआ है। इसमें हितकर क्या है? महाराज, हितकर ये हुआ है कि सुल्तान ने विजयनगर का संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, वो भी सभी शर्तों के साथ। शायद सत्य है। जी महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। इतना सब कुछ होने के बाद हमें आशा नहीं थी कि पंडित रामकृष्ण, हमें गर्व है आप पर, सराहना करते हैं आपकी बुद्धिमत्ता की। महाराज, रनिवास से एक सूचना लाया हूँ। सही, क्या सूचना है? महारानियों ने प्रश्न किया है कि पंडित तथाचार्य एवं पंडित रामकृष्ण क्या यात्रा से सकुशल लौट आए हैं? अगर वो लौट आए हैं तो क्या वो समस्त सामग्री लेकर आए हैं जिसकी सूची उन्होंने दी थी? इस विषय में उन्हें अभी तक कोई समाचार नहीं मिला, इसलिए वे अति व्याकुल हैं महाराज। ए बंधु! रामा, अब तेरे प्राण कोई नहीं बचा सकता, अंत समय आ गया है। पंडित रामकृष्ण, क्षमा करें महाराज, इस पूरे घटनाक्रम में तो मैं उस सूची के बारे में भूल ही गया। महारानियों ने जो सामग्री मंगवाई थी वो तो आप ला नहीं पाए, अनर्थ हो गया। अब महारानियों के समक्ष जाकर आप ही स्पष्टीकरण कीजिए, हम तो इसमें नहीं पड़ेंगे। अरे रे रे महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? वहाँ तो मृत्युदंड से बच गया था, यहाँ कैसे बचूंगा? यहाँ तो मृत्युदंड अवश्य मिलेगा मुझे। यही व्याकुल हो गया, सोच घर पर सभी उपहार की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वहाँ क्या करेगा? हे ईश्वर, तूने क्या मुझे विपत्तियों में फंसे रहने के लिए ही जन्म दिया है? क्या उत्तर दूंगा मैं शारदा, अम्मा, गुंडप्पा और महारानियों को? हे देवी माँ, रक्षा करना। उठिए गुरुजी। ये क्या कर रही हैं? हम तबला बजा रहे हैं। अच्छा, उठ जाइए। उठिए गुरुजी, उठिए उठिए उठिए। धनी, कोई लाभ नहीं, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं उठने वाले। तू पानी लेके आ, पानी। ये लिया एंजल। उठिए गुरुजी। क्या बात है प्रिय, हमारे साथ जल क्रीड़ा करने का मन कर रहा है आपका? ये काम करेगा। उठिए गुरुजी, उठ जाइए। गुरुजी उठिए। चल रे पगली, श्राप दे देंगे। गुरु माता, ये गुरुजी है या भालू, शीत निद्रा में चले गए, उठ ही नहीं रहे। मैंने अब तो एक ही उपाय शेष बचा है। हाँ। आज से हम कृष्णदेव राय ये घोषणा करते हैं कि राज पुरोहित का स्थान महापंडित तथाचार्य से ले लिया जाए और इस पद पर रामकृष्ण को नियुक्त किया जाए। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज।
आप हमसे हमारा पद नहीं छीन सकते महाराज, ये अन्याय होगा महाराज। हम तो अपने घर में जाएंगे। जी गुरुजी। तुम्हें हमें निद्रा से उठाने का इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं मिला। हो जाता भी। महाराज ने राजसभा में आपको तत्काल उपस्थित होने के लिए कहा है। अर्धरात्रि को राजसभा? हाँ हाँ अभी। हाय, सोने दो ना प्रिय, क्या कर रही हो? वो कौन है जो मुझे निद्रा से उठा रहा है? विश्राम करने दो। आप किसे प्रिय कह रहे हैं? कौन, मैं? हाँ आप। तुम्हें ही कह रहा हूँ, और प्रिय मैं किसे कहता हूँ? अर्थात आपको स्मरण है आज क्या है? क्या है? आप स्वप्न देख रहे थे, प्रिय आप कह रहे थे, तो आपको स्मरण होना चाहिए ना कि आज क्या है। बड़ी शरारती हो, तुम्हें स्वयं स्मरण नहीं है कि आज क्या है, इसलिए मुझसे जाना चाहती हो ना, है ना, है ना, है ना? हमें स्मरण है आज क्या है, आज हमारे विवाह की अर्धवर्षगांठ है, परंतु आपको ये भी याद नहीं था। अर्धवर्षगांठ, ये क्या होता है? आज हमारी शादी को पूरी 6 मास हो गए, तो हुई ना अर्धवर्षगांठ। बहुत अच्छी बात है, तो अब मैं सो जाता हूँ, तुम भी सो जाओ। हाँ, हमने आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाया है और आप सो रहे हैं। आप हमसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते हैं। ये स्त्रियां बिना बड़ी अजीब होती है, अर्धरात्रि उठाकर पूछती है आप हमसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। ये स्त्री प्रेम और अर्धरात्रि में अवश्य ही कोई रहस्यमय संबंध है। ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? मेरी प्यारी धर्म पत्नी शारदा को हमारे विवाह की अर्धवर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, परंतु इतना सब करने की क्या आवश्यकता थी, केवल मिष्ठान खिला देती। अम्मा जाग जाएंगी? नहीं जगेंगी। छोड़िए, गुंडप्पा जग जाएगा। नहीं जगेगा। ये ध्वनि करके तो मुझे बहला नहीं सकती। उठा लो क्या? अपना शरीर उठा लो और जाकर दरवाजा खोलो। अरे अम्मा, क्या हुआ? अम्मा, अर्धरात्रि हो चुकी है, सो जाओ। दरबार से बुलावा आया है, अभी इसी समय बुलाया है। अभी इस अर्धरात्रि के समय ऐसी क्या समस्या आ गई? फड़क रही है आपकी? क्या बताएं पंडित रामकृष्ण, जब भी हम आधी निद्रा से जागते हैं तब हमारे नेत्र यूं ही फड़फड़ाते हैं। अरे रे रे रे। गुरुजी संभालिए, संभालिए अपने आप को। महाराज को क्या हो गया? अचानक ऐसी क्या समस्या आन पड़ी कि उन्हें प्रातःकाल होने की भी प्रतीक्षा नहीं की? महाराज कृष्ण देव राय की। क्षमा चाहते, ऐसी कौन सी गंभीर समस्या आ गई जिसने महाराज श्री कृष्णदेव राय को असमय, हमारा तात्पर्य है इस मध्य रात्रि को, दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया? गुरुवर, अत्यंत गंभीर समस्या है, घोर समस्या है, घोर। ऐसी क्या समस्या है महाराज, कृपया बताएं। समस्या ये है कि आज
हमने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में हमारे समक्ष एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। वो प्रश्न ये है कि ये प्रेम होता क्या है। हमें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। इस समय आधी रात को प्रेम के बारे में जानना है इनको। रामा इनको बोल के अपनी पत्नी के कक्ष में जाए। प्रेम की भाषा और परिभाषा क्या है सब अपने आप समझ में आ जाएगा। चुप कर जा। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? नहीं नहीं महाराज, कुछ भी नहीं। महाराज, प्रेम की परिभाषा तो आप प्रातःकाल भी जान सकते थे महाराज। नहीं मंत्रीवर, हमें हमारे प्रश्न का उत्तर अभी इसी समय चाहिए, क्योंकि इस प्रश्न ने हमें व्याकुल कर दिया है। और जब हम व्याकुल होते हैं तो हमारी निंद्रा चली जाती है, हमें नींद नहीं आती। परंतु महाराज, आप गुरुवर, आप सभी हमारे विद्वान सभासद हैं, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए हमें कि ये प्रेम होता क्या है। क्योंकि जब तक हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, हम व्याकुल रहेंगे, हमारी निंद्रा गायब हो जाएगी, और यदि हम सो नहीं पाए तो आप सब कैसे सो पाएंगे। सही कहा महाराज आपने। मंत्रीवर, आप बताइए हमारे इस प्रश्न को लेकर आपका क्या कथन है। महाराज, हम इस उम्र में प्रेम, महाराज प्रेम जैसे विषय पर हम प्रकाश कैसे डाल सकते हैं? प्रेम वो है जो आधी रात हमें विश्राम नहीं करने देता, अर्धरात्रि नींद से जगा देता है और यहाँ दरबार में खींच कर ले आता है। पंडित रामकृष्ण, आपने कुछ कहा? हमें उत्तर चाहिए, सटीक उत्तर चाहिए हमारे इस प्रश्न का, बताइए। गुरुजी, आप तो प्रेम प्रसंगों में अति पारंगत और निपुण हैं। हाँ है तो? आपसे भली भांति और सहजता से इस प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? महाराज, प्रेम वो प्रसंग है, जीवन की वो परम आवश्यकता है, जिसके बिना जीवन अपूर्ण है। बात तो सत्य कही आपने गुरुवार, प्रेम वो प्रसंग है जिसके बिना जीवन अपूर्ण है। परंतु प्रश्न तो वही खड़ा है गुरुवर, कि ये शब्द प्रेम, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है? हाँ महाराज, वो क्या होता है कि ये जो प्रेम, क्या बताएं, क्या बताएं महाराज। महाराज, गर्मा गर्म पूड़िया, हलवा, जलेबियां खाने से मन में जो भावनाएं जागृत होती है, उसी को तो प्रेम कहते हैं। महाराज, नारियल पानी को चुरा कर पीने में जो आनंद आता है, उसे असली प्रेम कहते हैं महाराज। गुरुवर, शांत कराइए, ये गंभीर विषय है, शांत कराइए इन्हें। क्षमा क्षमा महाराज, क्षमा। अरे मूर्खो, परिस्थिति की गंभीरता को समझा करो, चुप रहो वरना मुर्गा बना देंगे। क्षमा करें महाराज, परंतु आपका प्रश्न जितना सरल है उसका उत्तर उतना ही जटिल है। सत्य का आपने पंडित रामकृष्ण, जटिल है, परंतु हमारा ये विश्वास है कि आप पंडित रामकृष्ण हमें इस प्रश्न का समुचित उत्तर दे पाए। तो आप बताइए ये प्रेम क्या होता है। महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर तत्काल देना असंभव है, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। महाराज, अब क्या करें? मंत्रीवर, राज्य के कोने कोने में मुनादी करा दी जाए, पड़ोस के राज्य में घोषणा करा दी जाए कि हमारे इस प्रश्न का जो भी उचित उत्तर देगा उससे हम संतुष्ट होंगे, हम उस व्यक्ति को उचित पुरस्कार भी देंगे। जी महाराज, प्रातः दरबार में भेंट करेंगे। शुभ रात्रि।
सुनो सुनो, विजयनगर के समस्त वासियों ध्यान से सुनो। महाराज ने प्रश्न किया है कि प्रेम क्या है। जो इस प्रश्न का सही उत्तर महाराज को बताएगा, इसकी परिभाषा से महाराज को संतुष्ट करेगा, महाराज उसे उचित पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुनो सुनो सुनो, प्रेम क्या होता है? पता नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं। अजी सुनिए, आपको पता है प्रेम क्या होता है? अरे भगवान, अब क्या बताएं? जब से तुमसे विवाह हुआ है, मैं तो प्रेम का मतलब ही भूल गया हूँ। हे ईश्वर, यदि आज प्रेम का अर्थ सही पता होता तो हमें भी उचित पुरस्कार मिलता। प्रेम मेरे घोड़े का नाम है महाराज। आप जा सकते हैं। महाराज, प्रेम वो है जो हम अपने पुत्र से करते हैं, अपने माता पिता और पत्नी से करते हैं। मान्यवर, आप कृपया प्रस्थान करेंगे? प्रेम कुछ होता ही नहीं है महाराज, जीवन में सभी कष्ट का कारण प्रेम ही है। आप तुरंत जाइए। तो हमारे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे प्रश्न का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर सके, कोई भी नहीं। इसका उत्तर हम दे सकते हैं महाराज। अन्यथा आपके मुख में मक्खी घुस जाएगी। बंद कीजिए गुरुजी। क्या है? हम तो बस अवलोकन कर रहे थे कि ये है कौन। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रणाम महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर हम देंगे। देवी, हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी महाराज, प्रेम वो है जो एक व्यक्ति को एक साथ 9 भिन्न भिन्न भावनाओं की अनुभूति कराता है, अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भय, विभत्स, शांत और अद्भुत रस। इन 9 रसों के समग्र प्रभाव को प्रेम कहते हैं। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इन 9 रसों के अनुभूति के पश्चात भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। यही प्रेम है महाराज। क्रोध, घृणा, दुख होने के पश्चात भी जो 2 व्यक्ति को साथ रखता है वही प्रेम है। अति उत्तम, अद्भुत। तो अंततः हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया, प्रसन्न हुए हम। परंतु देवी, हम ये भी अवश्य जानना चाहेंगे कि आप हैं कौन, अपना परिचय दीजिए। मोहिनी, हमारा नाम मोहिनी है। मोहन, मोहिनी। हम दूर देश से आए हैं और आपके लिए एक भेंट लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे स्वीकार करें।
ये चित्र एक कुशल चित्रकार द्वारा निर्मित है। हम चाहते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। ये चित्र सदैव आपको हमारे बारे में स्मरण कराता रहेगा। अवश्य कराएगा। महामंत्री महाराज, देवी हमारी और एक जिज्ञासा है कि आपको हमारे प्रश्न का उत्तर विदित कैसे था? क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं। हम कुशाग्र बुद्धि के स्वामिनी हैं। समस्त दक्षिण भारत का भ्रमण कर हम आपके समक्ष आए। दक्षिण भारत के हर एक राज्य में हमारी बुद्धि का डंका बज रहा है और इस विश्व में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके। आपसे जीतना भी कौन चाहेगा? गुरुवर, कुछ कहा आपने? नहीं महाराज, हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ये हमारी चुनौती है महाराज। यदि आपके राज्यसभा में कोई भी जो बुद्धिमत्ता में हमें परास्त कर सके तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। नामांकित करते हैं आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए। वो आपको इस ज्ञान के युद्ध में परास्त करेंगे। हमें स्वीकार है महाराज। तो ये तय रहा, कल रात दरबार में पंडित रामकृष्णा और मोहिनी देवी के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी। यहाँ पंडित रामकृष्णा आपको परास्त करेंगे। किंतु महाराज, यदि हमने पंडित रामकृष्णा को पराजित कर दिया तो ले, तू तो फिर फंस गया रामा, जल्दी कुछ बोल। महाराज, मैं पंडित रामकृष्ण की ओर से हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं देवी। पराजित होने का परिणाम क्या होगा महाराज? आप बताइए। यदि हमने पंडित रामकृष्ण को शास्त्रात में पराजित कर दिया तो 41 दिवस तक उन्हें हमारे दास बन के रहना होगा। और यदि पंडित रामकृष्ण ने आपको परास्त कर दिया तो? यदि ऐसा हुआ तो वही होगा जो पंडित रामकृष्ण कहेंगे। ये क्या हो गया? इतना अच्छा अवसर खो दिया हमने। पुनः अवसर पंडित रामकृष्ण को मिल गया। गुरुजी, हमें पंडित रामकृष्ण में पूर्ण विश्वास है। क्यों? यही कि पंडित रामकृष्ण मोहिनी को अवश्य प्राप्त कर देगा। तो तेरा ये शास्त्रार्थ होगा महाराज, परंतु ये शास्त्रार्थ संपन्न कैसे होगा? गुरुवर जी, आज आप इस राज दरबार के राज पुरोहित हैं, तो आप ही इस शास्त्रार्थ की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। ये दायित्व आपका हुआ। स्वीकार है महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। आचार्य तथा आचार्य इस शास्त्रार्थ की रूपरेखा निर्धारित करेंगे और कल प्रातःकाल ये
शास्त्रार्थ यहीं इस राज दरबार में होगा। चिंता मत कर रामा, थोड़ी सी तैयारी कर ले, तू ये शास्त्रार्थ में अवश्य विजयी होगा। महाराज, यदि आप अनुमति दे तो मैं प्रस्थान करूं, कल के शास्त्रार्थ की तैयारी करनी है। अवश्य पंडित, जाइए। जी, प्रणाम। प्रणाम देवी जी। प्रणाम महाराज। मोह गुरुवर। मोह माया, सब मोह माया है महाराज। सभा आगे बढ़ाई जाए। अरे, ये तो समस्त राज्यों के महान प्रकांड पंडित हैं, परंतु ये इस दशा में क्यों है? प्रणाम महापंडित श्रीधर, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप जैसे महापंडितों को अपने समक्ष देखना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु क्षमा करें, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप जैसे महापंडित विद्वानों की ये दशा कैसे हुई और किसने की? हमने। पंडित रामाकृष्ण, ये सारे पंडित हमारे सेवक हैं। देवी, ये तो प्रकांड पंडित हैं, आदर और सम्मान के अधिकारी हैं। ये सारे पंडित हमारी पालकी उठाते हैं, क्योंकि हमने इन्हें शास्त्रार्थ में परास्त किया है। रामा, ये सब तो समस्त राज्यों के महाज्ञानी हैं, इनकी ये दशा कर दी है इस मोहिनी ने। कितनी घमंडी है और असमंजस व्यवहार है इन पंडितों के प्रति। पंडित रामाकृष्ण, क्या हम जान सकते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं? चलिए हम ही बता देते, क्या आप इन 8 महान पंडितों को देखकर आश्चर्यचकित तो नहीं हो रहे हैं? आइए हमारे साथ। हमारे सेवक केवल वो नहीं है जो हमारी पालकी उठाते हैं, और भी कई हैं। देखिए वहां, ये सारे पंडित हमारे बुद्धिमत्ता के साक्षी हैं। इन सबको हमने ज्ञान की प्रतिस्पर्धा में हराया है। पंडित रामाकृष्ण, आप चिंतित ना हो, आपको हम हमारी पालकी उठाने का अवसर देंगे। रामा, तुझे तो इस स्पर्धा में अवश्य विजयी होना पड़ेगा, अन्यथा 41 दिवस पालकी उठाना पड़ेगा। हाँ बंधु, मुझे ये शास्त्रार्थ किसी भी हालत में जीतना ही होगा। किसी भी और स्पर्धा से अधिक मुझे इसमें विजय होना आवश्यक है, और ये स्पर्धा मैं इन पंडितों और ज्ञानियों के लिए जीतूंगा जिनका स्त्री ने इस तरह से अपमान किया है। नृत्य प्रारंभ किया जाए। नेत्र मुद्रा में हंस रहे थे, तो फिर चीखे क्यों? हाय,
मोहिनी जैसी विश्व सुंदरी के हाथों अंगूर सेवन करने का आनंद ही कुछ और है, परंतु सारा आनंद भंग कर दिया है। ये लंगूर रामाकृष्णा स्वप्न में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। स्वामी क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं? कोई दूसरा स्वप्न देखा? हमने स्वप्न में अत्यंत सुंदर नार अति सुंदर दामी वर्म की साड़ी आपके लिए लाए थे, तदुपरांत हमने देखा वो साड़ी किसी और ने धारण की हुई, तो हम चीखे। कौन है वो जिसने स्वप्न में हमारे अधिकार का हनन किया? धनी, धनी ने वो साड़ी धारण कर रखी थी। धनी ने? परंतु आप किंचित भी चिंतित ना हो रहे हैं, वो स्वप्न था। यथार्थ में हम न धर्मियों को आपकी साड़ी कदापि नहीं ले जाने देंगे। हम तो आपके स्वप्न में आकर ही धन्य हो गए स्वामी, आपकी बहुत कृपा है हम पर, हम अभी भगवान को नैवेद्य चढ़ा कर आते हैं। जाइए। क्यों प्रभु, स्वप्न में साड़ी थी या साड़ी के संग विश्व सुंदरी नारी? इधर आओ। जी गुरु जी। सारा आनंद भंग कर दिया इस रामा ने। यदि कल वो शास्त्रार्थ जीत गया तो उसकी ख्याति पुनः बढ़ जाएगी, महाराज के दरबार में नायक बन जाएगा वो। तत्पश्चात मोहिनी, वो अधर्मी ना जाने क्या क्या करवाएगा मोहिनी से। गुरुजी, आप मोहिनी को कम मत समझिए, मोहिनी ने ना जाने कितने प्रकांड पंडितों को धूमिल करके अपना सेवक बनाया है। अच्छा हुआ गुरुजी, जो आपकी प्रतिस्पर्धा उस मोहिनी देवी के साथ नहीं हुई, अन्यथा वो तो आपको निश्चय ही पराजित कर देती और आपको उठानी पड़ती उसकी भारी भरकम पालकी। सोचिए गुरुजी, आपसे तो जल का पात्र भी नहीं उठाया जाता। गुरुजी, फिर तो आपको विजयनगर छोड़ के जाना पड़ता और कहीं और आपको अपना डेरा जमाना पड़ता। इधर जी गुरु जी। महारानी तिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, ये किस प्रकार का व्यवहार है? हम जैसी रूपवती विदुषी पत्नी होते हुए भी आपको प्रेम का अर्थ नहीं पता? वो रूपवती मोहिनी के समझाने के पश्चात तो आपको साफ समझ में आ गया होगा। महारानी? महारानी नहीं, अब सारे अर्थ, परिभाषा, तात्पर्य, संदर्भ वही बताएगी आपको। परंतु क्या आपको हमसे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ? परंतु प्रेम का अर्थ समझ में नहीं आया है ना? परंतु मोहिनी के समझाने पर तो सब समझ में आ गया होगा, है ना? आप हमारी बात तो सुनिए महारानी। आप हमारी बात सुनिए महाराज, अब हम आपको दिखाएंगे नवरस। नवरस होते हैं ना प्रेम में? जी। ये मोहिनी ने भेंट की थी ना आपको? जी। परंतु इसमें श्रृंगार रस नहीं है। महारानी, तो ये था श्रृंगार रस। देखिए महारानी, आपसे समझने में कदाचित कोई भूल हो रही है। भूल हमसे नहीं, आपसे हो रही है। आप दोनों हंस क्यों रही हैं? महाराज, हम हंस नहीं रहे, हम आपको हास्य रस से परिचित करवा रहे हैं। कि आप हमारी बात तो सुनिए, हम तो क्या? आप सुनिए, जब हमने पहली बार मोहिनी के बारे में सुना तो हमें अद्भुत रस की अनुभूति हुई। तत्पश्चात हमने देखा कि आप उस सुंदरी मोहिनी से प्रभावित हो गए तो हम भयभीत हो गए। चिन्ना देवी, भयभीत होना, बहुत रूप दिखाने का आगे अवसर मिलेगा, अभी भयभीत हो ये भयभीत। तत्पश्चात जब हमें पता चला कि हम मोहिनी के उत्तर से अति प्रसन्न हैं, तब हमें विभत्स रस का अनुभव हुआ, घृणा हुई हमें। तत्पश्चात हमें पता चला कि आपने पंडित रामकृष्णा के साथ मोहिनी का शास्त्रार्थ रखा है ताकि वो पुनः राजसभा में आए और आप पुनः उन्हें देखें। ये सुनकर हमें क्रोध हो गया। महारानी,
रौद्र रस। फिर हमें स्मरण हुआ वीर रस का, वो भी दिखाएं आपको जी। इसकी क्या आवश्यक? क्षमा 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 महारानी तिरुमलम्बा, और आप दोनों शांत रस का अनुभव करें। शांत हो जाइए महारानी तिरुमलम्बा। नहीं, आज हम महाराज को समस्त रसों का रसोस्वादन करवाएंगे। महारानी, अब सारे रस अनुभव कर लिए आपने? जी, पूर्ण रूप से कर दिया, पूर्ण रूप से। धन्यवाद। परंतु आज के बाद आप हमारे कक्ष में कदापि नहीं आएंगे, और यही आपका दंड है। हाँ, चलिए। सत्य कहा है किसी ने, जब अर्धांगिनी मारे प्रश्नों के डंक, बोलती हो जाए बंद चाहे राजा हो या रंक। सत्य वचन है। मेरा पुत्र शास्त्रार्थ के लिए कितना परिश्रम कर रहा है। ये ध्वनि कैसी? दंड मुझे क्यों मिल रहा है? ये तो सरासर अन्याय है रामा। न्याय जाके महाराज से मांग। इसमें महाराज की क्या आवश्यकता है? अम्मा ही न्याय कर देगी। तुझे लैब को अध्ययन करने बोला था ना, और तू सो गया था। ये गुंडापा अग्नि में घी क्यों डाल रहा है? इसे चुप करा रामा। गुंडप्पे, तू शांत रहने का क्या लेगा? दंतिया। ये क्या है? गीला वस्त्र है। वो तो मुझे भी पता चल रहा है गीला वस्त्र है, लेकिन सर पे क्यों रखा है? ताकि आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाए और आप अपना ध्यान केंद्रित करके अध्ययन कर सके। तुम्हें पता है महाराज कितने अच्छे हैं, कितना स्नेह करते हैं मुझसे। जब भी कोई विकट समस्या होती है ना, तो मेरा ही स्मरण होता है उन्हें। अभी तो तुमने मेरा स्नेह देखा ही कहाँ है। अगर उस महिला को शास्त्रार्थ में नहीं हराया तो इस घर से निकाल दूंगी और लाठी से टांगे तोड़ दूंगी। अयो शारदा, सुना है वो मोहिनी अत्यंत रूपवती है, सुंदर है। ऐसा तो नहीं रामा कृष्ण परास्त होकर स्वयं मोहिनी के साथ जाना चाहते हो? अरे रूपवती हो या ना हो, उससे क्या होता है? क्यों, आपने देखा नहीं उसको? देखा ना। अच्छा, तो दरबार में स्त्रियों को देखने जाते हैं आप? है? अरे वो मेरे समीप आकर खड़ी हो गई थी, इसलिए देखा। समीप? आपको तो आनंद आ गया होगा। आनंद आने वाली कौन सी बात है इसमें? तो आपकी क्या कामना थी, आपको आलिंगन कर लेती? शारदा, वो मुझे आलिंगन क्यों करेगी? अच्छा, तो अब आप आलिंगन करने का कारण ढूंढ रहे हैं? अरे आलिंगन करने का कोई कारण ही नहीं है। तो मतलब बिना कारण वो आपसे आलिंगन कर लेगी? सुब्बा लक्ष्मी, इसमें इतना हास्यास्पद क्या है? शारदा सतर्क हो जाओ। अयो पुरुषों को फिसलने में समय नहीं लगता। मैं पुरुष नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उस प्रकार का पुरुष नहीं हूँ। मोहिनी को? नहीं, भगवान से कह रहे हैं हमें उठा लो। ऐसा जीवन जीकर क्या होगा जहाँ पति ये सोच रहा है कि कोई पराई स्त्री उसे आलिंगन क्यों करे।
सुबलक्ष्मी, अब शांति मिल गई आपको। शारदा, ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार बंद करो। अम्मा, अब इन्हें हम मूर्ख भी लग रहे हैं। तुम लोगों के साथ समय व्यतीत करने से तो उचित है मैं उस मोहिनी का दास बन जाऊं। इस समय कौन द्वार खटखटा रहा है? देखते गुरुवर, प्रणाम।